स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। अभी तक हमने स्टैंडर्ड 8th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1-5 सॉल्व किया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम बाकी के जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं एक्सरसाइज 2.3 के, यहाँ पे 6-10 सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पे देखो, ऐसा दिया गया था आपका क्वेश्चन में, करना क्या था, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। आपको जो भी मान लो यहाँ पे इक्वेशंस दिए होंगे उनको सोल्व करना है एंड रिजल्ट्स भी आपको चेक करके बताना है राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिया गया है 8x+4 इज इक्वल टू 3 × x-1 देन +7। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। देखो, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था जितने भी वेरिएबल हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड आपको मूव करना है एंड नॉन वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे ले जाना है। बट ये क्या है, देखो वेरिएबल x है, यहाँ पे x-1 ये इक्वेशन है, इसके बाहर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको एज इट इज़ रखो, 8x इसको इस साइड ले जाओ। इसी वक्त क्या करते हैं, 4 को इधर ले चलते हैं, 3x-1, 4 इधर प्लस में था तो इधर किसी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ना, 7 तक यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 4-। देखो ये दोनों अब सब्ट्रैक हो जाएंगे और इसका साथ में मल्टीप्लिकेशन भी करते जाओ। क्या करो, इसको एज इट इज़ लिखो, 3 का इसमें मल्टीप्लाई भी करते जाओ। देखो 3x ये हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 3x एंड 3 का मल्टीप्लाई क्या किसके साथ करोगे, -1 के साथ, तो क्या आएगा, -3। ओके, अब +7 -4 एज इट इज़ लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे इसको सब्ट्रैक भी कर सकते हो। तो 8x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखो 3x-3, 7-4 करोगे तो क्या आ जाएगा, +3। ओके, ये क्या आ गया आपका, +3 आ गया यहाँ पे, इस तरह से आएगा 7-4 जब आप कर दोगे। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको इस साइड लाओ और ये देखो ये -3 है और ये क्या है आपका +3 है, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाने वाले हैं दोनों। प्लस और माइनस थ्री जब यहाँ पे आप करोगे तो क्या होंगे, वो 0 हो जाएंगे। तो इसको इस साइड ला दो, 8x-3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -3 + 3, -3 और +3 क्या हो जाएगा आपका 0। 8 जब आप 3 करोगे तो क्या आंसर वाला आने वाला है, 5x आएगा। जैसे ही आप 8x-3x करोगे तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे इस तरह से 5x। 5x इज इक्वल टू क्या आ गया है अब यहाँ पे आपका, 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपका, देखो 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 पे। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, क्या आएगा x की वैल्यू कुछ इस तरह से, x इज इक्वल किसी भी, मान लो 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। ओके, तो ये क्या आ गया आपका, x की वैल्यू 0। अब आपको आंसर चेक करना है, चेक कर लो आंसर, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। LHS लेते थे एंड RHS, जो भी वैल्यू आती थी x की वो इसमें रखते थे। तो 8x+4 ये आपका LHS है, तो 8 × क्या करोगे आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई है x, तो x की वैल्यू कितनी थी, 0 देन +4। 8 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 0 + 4, 0 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 4। ये आपका LHS आ गया। RHS लिख दो ये वाली वैल्यू, 3x-1 + 7। तो देखो 3 × x की जगह क्या आएगा, 0 - 1 + 7। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ किए तो 0 एंड 3 का -1 के साथ तो -3 + 7। अब देखो -3 + 7 जब आप करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका यहाँ पे, 4 आएगा प्लस में। तो LHS एंड RHS की वैल्यू कैसी आई यहाँ पे, सेम, देयरफॉर लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आंसर आपका राइट आ गया। ओके, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे हम करते हैं। 7 नंबर का दिया है, x इज इक्वल टू 4/5 ब्रेकेट में x+10 दिया है। अब देखो ये तो यहाँ पे आपका वेरिएबल इस साइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है x। अब ए वाले को हमें इस साइड लाना है,
बट देखो ब्रैकेट अगर अगर आपको मान लो किसी इक्वेशन में दिया, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया करो, ठीक है। उसके पहले वाले में भी हमने क्या किया था, ब्रैकेट को सोल्व किया था। तो x इज इक्वल टू क्या है, इसका मल्टीप्लाई प्लस 4 बाई, यहाँ पे 4 बाई 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे, देखो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू x, दैट मीन्स 4x डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 5 प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ, यहाँ पे 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5। ओके इतना आ गया। तो आप देखो ये आ गया 4x बाई 5, इसको आप इस साइड ले जाओ, x एज इट इज़ है, और इसका आप क्या करोगे, इस साइड लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 4x क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हो, 5 1 5, 5 2 क्या होता है 10, तो 4 इंटू 2 आ गया, यहाँ पे 4 इंटू 2 आया, अब वो क्या होता है, 8 होता है, 4 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करोगे, कोई जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है 1, नीचे 1 तो है, अब यहाँ पे एलसीएम 5 आएगा, तो इधर 5 नहीं है, तो 5 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x, है ना, इधर इसका साथ मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस क्या हो जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई 5, एंड 4 2 क्या हो जाएगा आपका 8। 5x माइनस 4x कितना होता है, 1x, 1x को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ x भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 एज इट इज इक्वल टू 8। नाउ अब आपको क्या करना है, ये देखो ये किस में, डिवाइड में, सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 40 आपका, ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। जब x की वैल्यू आ गई तो आगे हम क्या करेंगे, आंसर को चेक कर लेंगे। आंसर को चेक कैसे करते थे, आपको पता है अभी मैंने करके बताया था, ठीक है, हर क्वेश्चन में जैसे हम आंसर क्या करते थे, यहाँ पे चेक करते थे, वैसे ही करेंगे। तो देखो इधर LHS एंड RHS लिखेंगे। LHS क्या है आपका, सिर्फ x है ना, ये देखो LHS इक्वल के इस साइड जो होता है वो LHS होता है, तो LHS इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 40। RHS तो 4 बाई क्या आएगा, 5x प्लस 10 है, तो 4 बाई 5 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू कितनी थी, अभी आपने 40 फाइंड किया, तो 40 प्लस 10 आ गया आपका। अब पहले ब्रैकेट वाले को ऐड कर लो, 4 बाई 5 एज इट इज़, 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका, 50। देखो मल्टीप्लीकेशन होता है, हमने ब्रैकेट हटा दिया, तो 5 10 जा क्या होता है, 50, तो 4 इंटू क्या बचा यहाँ पे, 10, तो 4 इंटू 10 क्या होता है आपका यहाँ पे 40। तो RHS आ गया सेम, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ पे, RHS। इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या है, राइट है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 2x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3, इस तरह से दिया गया। अब देखो ये नॉन वेरिएबल है, इसको इस साइड लाओ, ये वेरिएबल्स वाले हैं, इसको इस साइड लाओ, तो 2x बाई 3, 7x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7x बाई 15 पूरा आएगा, यहाँ पे 3 है एज इट इज़, ये प्लस 1 है इधर आ जाएगा तो माइनस 1, हमने साथ साथ में दोनों काम कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 5 का जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, देखो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम फाइंड करूँ 3 एंड 15 का, तो देखो 3 1 3, 3 5 15, तो यहाँ पे 5 का देखो 1 1 आ गया, तो 5 3 कितना आया, 15 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा। ओके तो अब यहाँ पे हमें 15 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 15 होगा, 5 3 15 यहाँ किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 2 कितना हो गया यहाँ पे, 10 इंटू x, और ये क्या आ जाएगा आपका, -7x इज इक्वल टू 3 1 कितना होता है आपका यहाँ पे, 3 1 क्या होता है, 2 होता है, लिख दिया आपने। ओके अब 10x - 7x कितना होता है, 3x डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 2 आ गया आपका, कंप्लीट यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ये देखो ये किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 15, अब इसको डिवाइड में कर दो, x इज इक्वल टू 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 3। देखो 15 2 क्या होता है, 30 डिवाइडेड बाई 3, अब इसको आप कट करो,
थ्री वन जा थ्री, थ्री टेन जा क्या आएगा 30। तो x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 आ गई। अब आप आंसर चेक कर सकते हो जैसे हम चेक करते थे। कैसे चेक करते थे? LHS एंड RHS। तो LHS लिखो यहाँ पे 2x by 3 plus 1। तो 2 into x की जगह पे 10 divided by क्या आएगा 3 plus 1। तो देखो अब 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 20 divided by 3 plus 1। अब यहाँ पे LCM 3 आएगा तो ये 20 as it is क्योंकि इसके नीचे अब यहाँ पे तो नहीं था तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 plus 3 आएगा 23 by 3। ये आपका LHS। RHS फाइंड करते हैं। RHS इज इक्वल टू दिया था आपका 7x by 15 plus 3। ये देखो यहाँ पे 7 into क्या आएगा यहाँ पे 10 divided by 15 plus क्या आएगा 3। इसमें भी वही होगा सेम मल्टीप्लीकेशन। क्या करोगे आप? देखो ये 70 हो जाएगा, 15 ये आपका LCM आएगा, 15 3 जा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। 15 3 जा कितना होता है 45 divided by 15। ओके अब 70 प्लस 45 करोगे तो कितना आएगा 5 7 एंड 4 कितना होता है 11 115 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 15। अब किससे कट होगा ट्राई करो आप, 5 से कट करो, 5 से कट होगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा क्या आएगा यहाँ पे 15। देखो यहाँ पे 23 8 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, 23 बाय 3 आंसर आ गया। यहाँ पे भी LHS एंड RHS दोनों कैसा आ गया सेम, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर आपका आंसर क्या आ गया राइट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका दिया गया है 2y प्लस 5y3 इज इक्वल टू 26 बाय 3 माइनस वाई। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। करते हैं, वेरिएबल को इस साइड लाओ, देखो 2y इधर ही रहेगा, ओके ए वाई इधर है तो क्या करोगे आप इस साइड ला दो, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस वाई, सेम इसको एज इट इज 26 बाई 3 माइनस ए आ जाएगा इधर, प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 5 बाई क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक सभी को आ गया। अब देखो 2y प्लस वाई, 2 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3y। देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट यहाँ से सबट्रैक हो जाएगा, 26 माइनस आप 5 करोगे तो क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक सबको आ गया। अब देखो ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 21 बाई 3 पहले से है, ये 3 वापस से आ गया। अब इसको हमें कट करना है, देखो 3 वन जा 3, 3 सेवन जा क्या आएगा आपका यहाँ पे 21, ठीक है। अब आंसर क्या आया आपका 7 बाई 3, ये तो अब कटेगा नहीं 7, तो 7 बाई 3 आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे आंसर चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग, तो आप क्या करोगे यहाँ पे LHS एंड RHS, LHS क्या है 2y प्लस 5 बाई 3, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 7 बाई 3 लिख दो यहाँ पे प्लस 5 बाई 3, 7 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 3 एंड ए क्या है 5 बाई 3। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली जो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 14 प्लस 5 क्या होता है यहाँ पे 19 बाई 3, ये आपका LHS का वैल्यू आ गया। RHS फाइंड कर लो, 26 बाई 3 माइनस वाई है, तो यहाँ पे देखो 26 बाई 3 वाई की वैल्यू क्या है 7 बाई 3, ओके। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है 3 3 डायरेक्ट सबट्रैक हो जाएगा, तो देखो 26 में से 7 सबट्रैक करोगे तो क्या आएगा 19 एंड डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 3। तो देखो दोनों वे LHS और RHS कैसा आ गया इक्वल, देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। यहाँ पे y वेरिएबल था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 बाई 5, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे m वेरिएबल है तो यहाँ पे इक्वल के इस साइड क्या है 3m, इधर 5m माइनस 8 है, 8 बाई 5 है, तो ये वाला जो वेरिएबल है इधर आ जाएगा, क्या आएगा आपका 3m माइनस आ जाएगा इधर 5m, ओके प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में,
इज इक्वल टू, अब देखो ए माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस एट बाई क्या है फाइव है एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस थ्री और माइनस फाइव, सॉरी प्लस थ्री माइनस फाइव, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आंसर आपका टू, बट माइनस में आएगा क्योंकि बड़े वाले का साइन, और एम माइनस एट बाई फाइव। क्लियर है यहाँ तक? अब ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस से, आपको काटना नहीं है, आप समझ जाओ क्या होगे, ये कट जाएंगे। तो अब देखो ए एम की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे जब आप करोगे डिवाइड में, माइनस एट बाई क्या है फाइव, तो ए टू भी क्या होगा यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा इस तरह से। ओके तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, कट गया प्लस हो गया, टू वन जाए टू, टू फोर जाए एट। ओके तो क्या आंसर आ गया, एम की वैल्यू आया फोर, ऊपर यहाँ पे कितना आया फाइव, तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास फोर डिवाइडेड बाई फाइव, ए एम की वैल्यू आ गई फोर बाई फाइव। अब आपको चेक करना है आपका आंसर राइट आया कि रॉन्ग, तो एल एच एस एंड आर एच एस ले लो। एल एच एस लो पहले, क्या दिया गया था, एल एच एस की वैल्यू थ्री एम, तो थ्री इंटू एम की वैल्यू क्या आया फोर बाई फाइव, लिख दो यहाँ पे ऐसे, तो फोर थ्री जो क्या होता है ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फाइव, ये आपका एल एच एस आ गया। आर एच एस फाइंड कर लो, इक्वल आना चाहिए फाइव एम माइनस एट बाई फाइव। तो देखो फाइव इंटू एम, एम की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे फोर बाई फाइव, तो वो फोर बाई फाइव लिखो डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे ओके सॉरी माइनस एट बाई क्या दिया गया फाइव। अब यहाँ पे देखो फाइव फोर जो क्या होता है ट्वेंटी डिवाइडेड बाई क्या आएगा फाइव, माइनस एट बाई क्या आएगा फाइव। ओके अब ट्वेंटी में से एट को सब्ट्रैक करोगे क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक हो जाएगा, ट्वेंटी माइनस एट क्या होता है ट्वेल्व एंड डिवाइडेड बाई फाइव। देखो ए आपका एल एच एस एंड आर एच एस दोनों वैल्यू कैसी आ गई सेम, देयरफॉर आप लिख सकते हो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे आपका क्या होता है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में मिलेंगे। ओके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सभी के साथ वीडियो को शेयर करो, सभी इसका क्या कर सके यूज़ कर सके। थैंक यू वेरी मच।